93 के बाद अब हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज शीट नंबर 89। शीट नंबर 89 आप प्लीज ओपन कर सकते हो, शीट नंबर 89 जिसका टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है IOR। IOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब IOR। अब इसकी जरूरत क्या है, वैसे अगर आप ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा आपको चीजों को आसान करने में। दिखाता हूं कैसे। हम अभी तक रोलिंग मोशन को क्या मानते आए, अगर कोई बॉडी रोल करती है हम ये मानते आए कि रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज रोटेशन, हम ऐसे करते आए। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट द सेम मोशन, मैं इस सेम क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर सकता हूं एज वन प्योर रोटेशन, ओनली प्योर रोटेशन, जबकि रियलिटी ये थी कि हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन था रोलिंग। लेकिन अगर कोई इसको सॉल्व करना चाहे ये मानते हुए कि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है, तो भी ये हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हो तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, आपको जो एक्सिस होगा नया उसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि ये बॉडी एक रोल कर रही है। नॉर्मली जब हम ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम ये मानते हैं कि हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ, और हम ये कहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और बॉडी के पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं। तो बॉडी के पार्टिकल प्योर रोटेशन में है और सेंटर ऑफ मास किस में है, प्योर ट्रांसलेशन में है। कोई डाउट इसमें? ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने पूरा रोटेशनल ही ऐसे किया वैसे तो। लेकिन अगर कोई ऐसे ना करना चाहे, अगर इफ सेकेंड तरीका है उसके पास, आप इसी बॉडी को रोल करता हुआ देखें और आप ये माने कि एक्सिस ये नहीं है, एक्सिस बॉटम मोस्ट पॉइंट है पी, पी ये रहा पी एक्सिस है। आप ये देखें जितने मर्जी पार्टिकल ले लें, इस सरफेस के ऊपर लें, अंदर लें, जहां मर्जी लें, वो जो पार्टिकल हैं इस पी के अबाउट क्या करते हुए दिखाई देंगे आपको, रोटेट। ये देखो, ये देखो, कोई मर्जी पार्टिकल ले लो ऐसा लग रहा है जैसे पी पॉइंट के अबाउट उसकी क्या हो रही है, रोटेशन। इस सेंटर को मानते हुए प्योर रोटेशन नहीं है क्योंकि सेंटर इटसेल्फ क्या कर रहा था, मूव। इवन यहां पर तो सेंटर का जो पॉइंट है वो भी आपको नजर आएगा, इट इज इन प्योर रोटेशन। एक्सिस को अगर शिफ्ट करते हो आप इमेजिन कर सकते हो जैसे जो मर्जी, देखो दो तरीके मैंने बताए अगर ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है। एक तरीका कि आप सेंटर ऑफ मास को देखो और बाकी पार्टिकल्स को रोटेट करते हुए देखो। दूसरा ये एक्सिस मान लो, इसके अबाउट पूरी की पूरी ये देखो ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। चाहे सेंटर ऑफ मास भी देखोगे, सेंटर ऑफ मास भी देखो क्या दिखता हुआ दिख रहा है आपको इसमें, रोटेट। तो आप अपनी प्रॉब्लम को इस एक्सिस को मान के भी सॉल्व कर सकते हो, और मजे की बात क्या है, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको आंसर सेम। ऑप्शनल है, अगर आपको वही पसंद आया वही करो, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे बात बन जाएगी, आपको ये पसंद आया तो अब ये करो। नॉर्मली क्योंकि हम काफी लेक्चर इस पे लगा चुके हैं तो लोगों को वही पसंद आता है, बट कभी कभी हो सकता है कि जरूरत पड़े आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर अलग से क्वेश्चन आ गया फिर नहीं कर पाओगे आप, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या मानते हैं, इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि पी हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और एक्सिस है, ये रहा पी, ये रहा। अब ये देखो कि पी पार्टिकल से, ये पी पॉइंट से रादर, ये सी पॉइंट, कोई कोई चलो तीन पॉइंट्स लेते हैं हम, ये चार पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं ए, दूसरा लेते हैं बी, तीसरा लेते हैं सी, और चौथा लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ऐसा ले लेते हैं। ठीक, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये इसकी जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो टेंजेंट होगा, इसकी वेलोसिटी का वेक्टर भी टेंजेंट होगा, इसकी वेलोसिटी का वेक्टर हमने किया था ये वैसे, पर अगर कोई ना करना चाहे तो एक और बहुत सही तरीका है मेरे पास। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ये क्योंकि ये तो आप कहोगे कि सर आपको पहला रिजल्ट पता था तो आपने बताया, तो ऐसा करो P पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करो C तक, क्योंकि C एक पॉइंट है, ज्वाइन कर ली। C इस लाइन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले लो, इसकी वैल्यू मत देखो, एक वेक्टर ले लो, ले लिया, तो ये C पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर माना जाएगा। तो C पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर ये माना जाएगा,
ऐसे ही अगर पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो मैं अगर यहां से इसको ज्वाइन करूं परपेंडिकुलर, इसको सीधा ज्वाइन करूं, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा इसका वेलोसिटी वेक्टर माना जाएगा। देखो डायरेक्शंस कैसे निकलती हैं वी वेक्टर की। अब जैसे मान लो बी पॉइंट है, आप एक लाइन ज्वाइन करो बी से लेके पी तक, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर ज्वाइन करो, तो इसकी डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी की। क्या सही तरीका है वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने का? फिर किसी ने कहा सर ये पॉइंट है, कोई बात नहीं इसे ज्वाइन करो 90 डिग्री पे बनाओ, इसका वेलोसिटी वैल्यू नहीं देखो, वैल्यू बताऊंगा कैसे निकल रही है, पर पहले आपको डायरेक्शन निकालनी आ गई, हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एवरी पॉइंट। जबकि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन करने का तरीका देखा था ट्रांसलेशन और रोटेशन का, वेक्टर सम के साथ किया करते थे। इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें एक मिनट में पता लग रहा है कि डायरेक्शन कहाँ है। कि पहला रूल क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन। अब हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी, ये देखो जब कोई भी पार्टिकल इसका, अगर आप इसके एक्सिस को ये मानते हो पी मानते हो, और आप इस हर पार्टिकल को ये मान रहे हो इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आप ये बताओ कि इस पॉइंट का ये डिस्टेंस कितना होगा, सीधा डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है आर, ये डिस्टेंस कितना है रूट टू आर। तो आप चेक कर सकते हो ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रूट टू आर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो देखो इधर, तो ये डिस्टेंस कितना था आर, ये डिस्टेंस कितना है आर, तो ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ टू आर, राइट। तो अच्छा ये बताओ ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल देख रहे हो, ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मैंने बताई दी आपको, ड्रॉ अ लाइन एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। और क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है, प्योर रोटेशन में आप इमेजिन करेंगे कि जैसे ये पी पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये सी है, एक पार्टिकल ये बी है, एक पार्टिकल क्या है ए है, और एक सेंटर ऑफ मास है। तो आप इमेजिन करें हर कोई इस एक्सिस को मानते हुए किसमें रोटेट कर रहा है, इन अ प्योर सर्कल। इमेजिन करो ना, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, वो इस एक्सिस को इसको एक्सिस मानते हुए सेंटर ऑफ मास अपने सर्कल में रोटेट करता हुआ जा रहा है। अगर आप P पॉइंट को एक्सिस मानते हुए C की जर्नी देखो, तो C अपना ही सर्कल बनाएगा, B अपना सर्कल बनाएगा और A अपना सर्कल बनाएगा। तो ये बताओ कि इसमें ये डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ 2R। तो क्योंकि हर कोई पार्टिकल इज मूविंग विद सेम ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या रहेगी सभी पार्टिकल के लिए सेम, क्योंकि ओमेगा तो सेम ही रहता है प्योर रोटेशन में। तो क्योंकि अपने इस क्वेश्चन को आपने प्योर रोटेशन में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए ओमेगा, इसके लिए ओमेगा, इसके लिए ओमेगा, इसके लिए ओमेगा एग्जैक्टली सेम है। तो आप यहां पर लगाएं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर की जगह क्या पुट करेंगे रूट टू आर, तो यहां की वेलोसिटी पता है क्या आएगी, रूट टू आर इंटू ओमेगा, राइट, रूट टू आर इंटू ओमेगा। यहां की वेलोसिटी क्या आएगी, v इज इक्वल टू रेडियस कितना है आर इंटू ओमेगा, यहां की क्या आएगी रूट टू आर इंटू ओमेगा, यहां की क्या आएगी डिस्टेंस कितना है टू आर, तो टू आर इंटू ओमेगा। तो आप चेक करो यहां की वेलोसिटी आएगी 2r into ओमेगा, यहां सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ रही थी r into ओमेगा, root 2r into ओमेगा। अब आप ये भी चेक कर सकते हो इसके अंदर कि प्योर रोलिंग में v क्या होता है r ओमेगा। तो अगर मैं इसका नाम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का नाम v देता हूं, तो यहां की वेलोसिटी c पॉइंट की वेलोसिटी क्या बन जाएगी root 2 into कितना v, सेम आंसर रूट टू इंटू वी। ऐसी यहां की वेलोसिटी ए पॉइंट की क्या हो जाएगी टू इंटू वी, ये तो वही रिजल्ट आ गए टू इंटू वी, रूट टू इंटू वी, रूट टू इंटू वी और वी, तो आपके सामने है ये। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, आप इस क्वेश्चन के अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन का सम नहीं ले रहे, आप इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं इस पी को एक्सिस मानते हुए आप ये मान रहे हैं कि बाकी जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्योर रोटेशन में है, और प्योर रोटेशन में यू कैन अप्लाई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सेम कॉन्सेप्ट को करने का तरीका देखा, वैसे देखा जाए तो ये मेथड ज्यादा बढ़िया मेथड है, एक ही गो में आपका आंसर आता है, ना वेलोसिटी की डायरेक्शन का चक्कर, ना ही इसमें वैल्यू का चक्कर,
दो मिनट में देखते हैं आंसर बता दोगे बिना पेन को हाथ लगाए कि क्या आंसर होगा, नहीं तो फिर वो लंबा तरीका तो यही है ट्रांसलेशन और रोटेशन का सम। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला कि IOR है क्या चीज, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे बोलते हैं। तो ये IOR है, इसके ऊपर क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं इसके लिए आप अपनी शीट नंबर 90 को ओपन कर सकते हैं, 9090। शीट नंबर Examples of IOR. इसका one of the best example जो मुझे लगता है वो ये लगता है, वो कह रहा है एक wall है, wall के साथ एक ladder है, ठीक? ये ladder फिसलती हुई नीचे आ रही है, ठीक है? नीचे आ रही है, दिख रहा है? इसका इस end की velocity right की तरफ कितनी है? V of B है, और ये वाला point नीचे आ रहा है, with a velocity of कितना? V of A है। Question आएगा, mark करो पॉइंट ऑफ IOR, IOR की पोजीशन मार्क करो। IOR का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें P को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पर ये पोजीशन चेंज कर लेगा और वही अगले इंस्टेंट पे यही इसका क्या बन जाएगा? रोटेशन का एक्सिस। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढो क्या होगा। तो मैंने आपको एक बड़ा सही और छोटा फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला? कि जो भी आपको दो वेलोसिटीज गिवन है, राइट? आप जरा इस पिछली असाइनमेंट के अंदर चले जाओ, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो पिछली असाइनमेंट को, ये देखो। तो पिछली असाइनमेंट में क्या बताया मैंने कि अगर आपको IOR ढूंढना है तो एक तरीका बताता हूं। अगर आपको वेलोसिटीज के वेक्टर गिवन है, सारे गिवन है, कुछ ना करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, जहां मिलेंगे वो IOR बन जाएगा। देखो मैंने उल्टा एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि अगर आपको IOR पता है और आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो इस पॉइंट के साथ लाइन ज्वाइन करो, ड्रॉ अ टेंजेंट या ड्रॉ अ परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और IOR का डिस्टेंस हमेशा कितने एंगल पर होते हैं? 90। तो इसमें उल्टा हो गया। इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर क्या गिवन है? इस असाइनमेंट में आपको दो वेलोसिटी के वेक्टर गिवन है, आप कुछ ना करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और आपका जहां पर दो परपेंडिकुलर मिलेंगे वेलोसिटी के, वही क्या माना जाएगा? आपका IOR। तो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड लोकेशन ऑफ IOR, तो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो IOR मिल जाएगा आपको। आप ऐसे अज्यूम करेंगे इसे कि आप ये रॉड को भूल जाएं, आप दो मिनट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए IOR का कॉन्सेप्ट अगर लगाना चाहते हैं आगे इसमें, आप इस रॉड को भूल जाएं, आप ये देखें कि एक वेलोसिटी वेक्टर यहां दिख रहा है आपको VA, एक वेलोसिटी वेक्टर आपको यहां दिख रहा है VB, और इस केस में आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है। तो आप इमेजिन करें कि ये वेलोसिटी इस सेंटर को मानते हुए किस में रोटेट कर रही है ना, प्योर रोटेशन, इस इंस्टेंट पे। ऐसी ये वेलोसिटी वेक्टर इसको सेंटर मानते हुए क्या मूव कर रहा है? विद ओमेगा, सेम रोटेशन। लेकिन ओमेगा की वैल्यू हर वेलोसिटी के लिए क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग आर मोशन एंड आर कंपेयरिंग आर मोशन विद अ प्योर रोटेशन, एंड प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल का ओमेगा हमेशा क्या होता है? सेम। तो ढूंढना आ गया IOR, ठीक? और दिखाता हूं क्वेश्चन। जैसे सर,
ठीक है, अगले इंस्टेंट पे वैल्यू सेम हो जाएगी, चेंज तो इस एक इंस्टेंट पे ड्रॉ करोगे, अगले भी सेम ही डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, फिर अगला पार्टिकल आ जाएगा सेम वेलोसिटी के साथ। जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक रॉड है, एक रॉड की अपर एंड की वेलोसिटी v1 है और लोअर एंड की वेलोसिटी v2 है, आपको क्या ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है कि वेलोसिटी v और v होती है, वो कह रहे नहीं है ऐसा यार, एक v1 है और एक v2 है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, v1 v2 अलग अलग वेलोसिटीज हैं, कह रहे कि इस केस में व्हेन a हैज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ v1 टुवर्ड लेफ्ट एंड v2 की राइट, तो आपको लोकेशन बतानी है IOR की कहां होगी, आपको ये कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली तो हमें यह बताया जाता है कि रॉड, ये एक रॉड है, राइट, रॉड है, इसकी यहां की वेलोसिटी v, तो यहां की वेलोसिटी भी v होती है, बिल्कुल सही होती है, ऐसे नहीं, मैंने हमेशा कोई दिक्कत थी इसमें, हाँ, पॉइंट पिवट कहां पर मानता हूं मैं, एट सेंटर ऑफ मास, तब ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है l by 2, तो इसका भी कितना हो जाता है l by 2, v is equal to l by 2 into omega, v is equal to l by 2 into omega, क्योंकि pivot का point है center, तो वहां पर तो ऐसा चलता है, और omega की value दोनों particles के लिए क्या रहेगी, exactly same, क्या point clear है यहां तक, लेकिन अगर pivot का point change हो जाए, फिर velocity v1 v2 different होगी, क्योंकि pivot point से ये distances क्या हो जाएंगे, change। उल्टा question पूछूं, अगर velocity different है, तो यानी कि पिवट का पॉइंट सेंटर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहां करेगा, जहां करेगा वही तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ढूंढो कहां पे करेगा, तो मान लो अगर लेंथ l है, मान लो इस इसके पॉइंट से कितनी दूरी पे करेगा x, तो इस पॉइंट के कितनी दूरी पे करेगा l माइनस x, रूल एक ही लगता है आईओआर की प्रॉब्लम में, क्या, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को प्योर रोटेशन में कन्वर्ट करना है, प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल का ओमेगा क्या रहता है, सेम, तो ओमेगा की वैल्यू सेम होगी अबाउट आई ओ आर, तो इसको एक्सिस मानते हुए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, v1 डिवाइडेड बाय x, v1 इज इक्वल टू x इनटू ओमेगा, और ऐसी इसका ओमेगा क्या होगा, v2 डिवाइडेड बाय l माइनस x, सॉल्व कर लो x आ जाएगा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी अगर दो एंड की वेलोसिटी डिफरेंट है और आपको पिवट का पॉइंट ढूंढना है कहां पर है, तो आप ढूंढ सकते हो इस ओमेगा को सेम करके, ठीक है यहां तक। जैसे क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ आईओआर, फिर एक बार डिस्टेंस ऑफ आईओआर, गिवन रेडियस इज 0.2 मीटर एंड वेलोसिटी की वैल्यू सेंटर ऑफ मास की 4 मीटर पर सेकेंड एंड ओमेगा की वैल्यू इज 10 रेडियंस पर सेकेंड। देखो आपको ना ये गिवन है कि एक बॉडी ना कि सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है वी के साथ, ठीक है, रेडियस गिवन है 0.2 मीटर, सही है, अब वो कह रहा है कि यहां पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए, यहां की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और ओमेगा मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है 10, तो मैंने v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा लगाया, तो मेरी वेलोसिटी कितनी आई 2 आ गई, राइट, जबकि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर क्या होती है 0, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ स्लाइडिंग, यानी कि ये प्योर रोलिंग में है ही नहीं, क्योंकि अगर ये प्योर रोलिंग में होता, मैं फिर कह रहा हूं, तो फिर उस केस में यहां पर इंस्टेंट पे वेलोसिटी सही नहीं बैठती, सही नहीं आ रही इसमें। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे एक चीज का आंसर दो, चलो एक मिनट के लिए स्लाइडिंग नहीं भी समझ में आता छोड़ दो, ये तो समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी 4 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 2 है, तो क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर आपको एक इस पॉइंट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, मान लो ये एक बॉडी है और बॉडी के दो हिस्से हैं या दो पॉइंट्स हैं एक बॉडी के ऊपर, अदर यहां की वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकंड, यहां की वेलोसिटी 4, यहां की वेलोसिटी 2, राइट, ऐसे गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो
ये जो बॉडी है जिसके दो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर कहीं पिवट किया हुआ है, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि अगर ये रॉड है और दो पॉइंट्स मैंने ले भी लिए और दो पॉइंट्स अगर इसके अबाउट रोटेट करते हैं, यार एक इधर जाएगा तो दूसरा पक्का इधर आएगा। अगर दो वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि उनका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उनके बीच में ही लाई करेगा। पहला रूल क्लियर है? और दो वेलोसिटीज का अगर मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है फिर तो गारंटेड उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। और अगर दो वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन है यही ऑर्डर ऑपोजिट तो फिर कहीं ऊपर नीचे लाई करेगा। पर अगर दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में है तो फिर यह बात पक्की है कि सेंटर का सेंटर के अबाउट रोटेशन नहीं हो रही, रोटेशन का पॉइंट कहीं यहां कहीं मिलने वाला है। क्यों? देखो ना, ये इस एक्सिस को मानते हुए इट इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट, इट इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अबाउट क्या होने वाली है, रोटेशन। तो रोटेशन का पॉइंट कहां मिलने वाला है? नीचे कहीं, राइट? और ये भी शॉर्टकट सुन लो फिर, अगर दो वेलोसिटीज ऐसे हैं, राइट, इस तरीके से हैं, तो भी इनके सेंटर के बीच में कहीं पर भी आईओआर या एक्सिस रोटेट नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? एक्सिस के बीच में नहीं होगा, ठीक? तो कहां पे होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा? कहीं पर भी हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ऊपर लेना है तो ऐसे रोटेशन शो करेंगे, नीचे लेना है तो ऐसे कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक चीज पता है कि अगर ये इसके अबाउट इनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इनके बीच में नहीं है, वो कहीं नीचे ले लेते हैं आईओआर, यही है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी इनकी? सेम। तो इस एक्सिस को मानते हुए, ओमेगा सेम करते हुए, इसका ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो ओमेगा क्या होगा? वी वी डिवाइडेड बाई एक्स, टू डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका ओमेगा क्या होगा? फोर डिवाइडेड बाई पॉइंट टू प्लस एक्स, पॉइंट टू प्लस एक्स। तो इक्वेट करेंगे, एक्स कैन बी कैलकुलेट, ऐसे निकलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होंगे। क्या ये रूल समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे ढूंढेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, मैं बोलने वाला था और इसने बिल्कुल सही बोल दिया। इसने कह रहा है ये भी डिस्कस करो केस कि अगर ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा हुई नीचे की वेलोसिटी से फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बनेगा पहले, इस केस में यही बनेगा ना। हाँ, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती फोर और इसकी टू होती फिर आईओआर नीचे ना बनता, फिर आईओआर ऊपर बनता, क्योंकि नीचे की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की वेलोसिटी कम है 2 मीटर पर सेकेंड, ये लो, तो उस केस में क्या होगा? ऐसा लगता है रोटेशन ऐसे हो रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर एक्ट करेगा। तो देखना पड़ेगा आईओआर कहां एक्ट करेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? तो आखिरी पहला क्वेश्चन ये किया, शीट का परपेंडिकुलर थी, आई ओ आर कहीं लाइन ज्वाइन कर लो, परपेंडिकुलर वहां लाई करेगा, कुछ नहीं होगा, फिर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा फिर नहीं बनेगा, ठीक। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये आई ओ आर का क्वेश्चन नहीं है शायद, ये वैसी क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर, एक्चुअली मैंने ये मिटाना था, गलत बन गया सर्कल, तो मैंने फ्लूड वाइटनर नहीं लगाया इस पे, वैसे ही रह गया और मैंने क्वेश्चन कर दिया, मैं भूल गया इसको मिटाना, तो मैंने दोबारा बनाया था इसे। आप समझ सकते हो, मतलब कि नॉर्मली मैं ऐसा होता रहता है मेरे साथ, तो मैं लगा देता हूँ उससे ताकि पता ना लगे। चलो, तो फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी, ये बॉडी आपको रोटेशन में दिख रही है, क्वेश्चन में गिवन है, आपको आई ओ आर गिवन है, उसने वो तो हमें पता ही है, नाम ही गिवन होता है, आई ओ आर यहाँ पर है, प्योर रोलिंग है इसका मतलब, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, आपको बताना है कि पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। और पी पॉइंट यहां पर नहीं है, अगर यहां पर होता मैं ओरली रूट टू भी बोल देता, यहां पर है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि अगर थीटा 90 होता फिर रूट टू भी है, पर थीटा 90 नहीं है, थीटा है, थीटा की फॉर्म में बताओ वेलोसिटी ऑफ पी क्या होगा। थोड़ा मैथ्स यूज करना पड़ेगा इसमें हमें, एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से पहले एक और काम करना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी समझ में आता है, ये C पॉइंट की वेलोसिटी सीधी होगी सेंटर ऑफ मास की समझ में आता है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, V नॉट है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, Vp है, ये अगर एंगल थीटा है और ये रेडियस और रेडियस बराबर है तो आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल का सम 180,
तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये भी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा बाई टू। और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये थीटा, 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये कितना है, स्मॉल आर है। क्लियर है यहां तक? मेडिकल वालों को तो ऑब्वियसली नहीं आएगा ये, नॉन मेडिकल वालों को ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज करवाई है मैथ्स में, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है इसमें, क्या प्रॉपर्टी है, स्मॉल आर के ऑपोजिट एंगल कितना है थीटा, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ठीक लगाया, और कैपिटल आर के ऑपोजिट क्या एंगल है, 90 माइनस थीटा, तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 90 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2। तो आप नहीं करवाया मैथ्स में भी करवा देंगे आपको भी थोड़े दिनों में, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, करवाया, ठीक, कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे बाकी ट्यूशन पे हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अभी के लिए आप लैमीज थ्योरम के साथ इमेजिन कर सकते हो, लैमीज थ्योरम की तरह लगती है ये देखने में। तो इन एनी केस कोई बात नहीं, मैथ्स वालों को करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी बहुत आम बात है उनके लिए। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल आर आ गया तो मुझे पता है ये स्मॉल आर है, साइन थीटा को मैथ्स में क्या लिखा जा सकता है, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, टू आर साइन थीटा बाई टू। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, स्मॉल आर आ गई। मैं स्मॉल आर क्यों निकाल रहा हूं, मैं स्मॉल आर इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर ये मेरा आईओ आर है तो ये मैंने लाइन ज्वाइन की, ये 90 डिग्री पे होगी, वीपी की वैल्यू इसके साथ 90 डिग्री पे होगी, एंड वीपी जो पी पार्टिकल है इसको एक्सिस मानते हुए प्योर रोटेशन में है, और अगर प्योर रोटेशन में है तो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन आर कौन सा यूज करेंगे, ये वाला आर, छोटा आर, तो वी ऑफ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू ओमेगा। तो वी ऑफ पी स्मॉल आर इंटू ओमेगा, हमने स्मॉल आर तो निकाल लिया इंटू ओमेगा। अब प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा क्या होता है, वी नॉट बाय कैपिटल आर, v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, कैपिटल आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट बाय कैपिटल आर, आंसर मार्क करेंगे ये। आइडिया समझ में आ रहा है, हालांकि मेडिकल वालों जितने भी लोग हैं वो तो वैसे बैठे जरूर हैं, बट प्लीज टेंस ना हो जाना कि यार ये हमसे होगा नहीं, ये आपको जरूरत नहीं है, आपको नहीं आएगा। हाँ वैसे कुछ चीजें रिविजन होती रहती हैं बीच में कॉन्सेप्ट की, तो वो चलता रहेगा, उसमें फायदा हो सकता है, पर एज सच अगर, क्योंकि अब लेवल और बढ़ने वाला है, मैं वैसे बता दूं आपको, अब मैं अगली शीट लेके आने वाला हूँ, उसके बाद लेवल थर्ड डिग्री पे पहुंचने वाला है, अभी आप खुद ही फील करोगे। कौन सा स्टेप, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं है, थीटा ये एंगल मान लो अल्फा, ये अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इज 180, तो अल्फा सॉल्व करोगे आएगा अपने आप। मैथ्स